हेलो एवरीवन, अभी रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं और मैं आपको ग्राम पंचायत बोली से ये सीन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ माननीय विधायक महोदय को, जो इन सब्जी मंडी वालों के दुख दर्द को इन्होंने सुना, समझा और यहाँ रात में जैसे ही जयपुर से बोली पहुंची है तुरंत इनकी बात सुनने के लिए मौके पर पहुंची है। और अभी काफ़ी भीड़ है, अंधेरे के कारण मैं आपको स्पष्ट दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब कहीं ना कहीं रास्ता निकलने के आसार बनते नज़र आ रहे हैं। और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के अलावा यहाँ पर SDM महोदय मौके पर हैं और इसके अलावा SHO साहब यहाँ पर मौके पर हैं और अभी सब्जी मंडी को लेकर यहाँ पर जो ताज़ा नतीजा देखने को मिला है वो यह है कि बेस कीमती ज़मीन इनके लिए अवेलेबल कराई जाने का निर्णय हो चुका है, प्रस्ताव भेज दिया गया है, जगह चिन्हित लगभग हो चुकी है, किंतु कुछ समय इन्होंने मांगा है, 2 महीने का। और फिलहाल जो अस्थाई सब्जी मंडी की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत चौराहे पर पहुंचकर इन्होंने यहां पर जो पुरानी सब्जी मंडी लगाई जा रही थी उसको वापस जो विदाउट फल सब्जी विक्रेताओं के दुकानें और जो अन्य अतिक्रमण हैं उसको हटाकर यहां पर व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए एक बार फिर यहां पर खुद विधायक महोदय पहुँची हैं और पूरा अवलोकन कर रही हैं। और काफ़ी भीड़ है, लगभग पूरे सब्जी वाले हैं, 60-70 सब्जी फल सब्जी विक्रेता, प्रशासन है यहाँ पर, SDM महोदय हैं, पुलिस SHO साहब श्री किशन मीना जी हैं, भाई चौधरी को का नाम है सरफराज भाई हैं, अफजल भाई हैं और इसके अतिरिक्त कोडियाई के सरपंच हनुमान जी, मीणा जी हैं। चलो मैं आपको मौके पे चल के पूरा दिखाता हूँ स्थिति, दशा स्थिति क्या है। और यहाँ पर अब मैं लगभग कम बोलूँगा, आप केवल देखिए। यहाँ पड़ा है कबाड़ा, अभी रहने को तो इनमें कबाड़ी देता है, किराया तो नहीं देता, इनके पट्टा है क्या है क्या नहीं है, कैसे ऐसे ये रात में
देखो मैडम हमारे गरीब आदमी को खेले बैठ गए सही है तो गरीब आदमी को खेले बैठे और वास्तव में कहीं कहने की जरूरत नहीं है कि विधायक मुद्दा ग्रेट है और मौके पर जाकर समाधान निकालने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और शायद जो परिणाम होगा वो बेहतर से बेहतर सुखद और लगभग सबके सामंजस्यपूर्ण हो। अभी कुछ ही देर में यहाँ जो समाधान होगा वो जी न्यूज़ पोर्टल पर मैं आपको अभी तुरंत लाइव दिखा रहा हूँ और आदेश कर रही है मैम तुरंत ये जगह साफ सफाई की जाए। पट्टा खाए को लगाओ चल फिर भी ये कण अंदर ना दिल लागे जिस लगे तो अरे कहीं चार बजे रहते कहीं पूरी ग्राम पंचायत चौराहे की दशा स्थिति देखी है और
थोड़ी देर देखते हैं आखिर क्या निर्णय निकलता है। और 99% में जहाँ तक समझता हूँ अभी जो स्थायी जगह है वो लगभग 2 महीने बाद आवंटन की जाएगी। जगह चिन्हित हो चुकी है लगभग माना जा रहा है। और बाद की बात ये अभी फ़िलहाल जो हड़ताल है उसको समाप्त किए जाने को लेकर अस्थायी व्यवस्था बैठो।